बस अभी ये स्वेलिंग रह गया, कल तो ये पूरी थी, अभी बेटर हुई है ये। तो ये होते हैं जो दीदी पूरा इधर नीचे से पूरा सूख रखा है, तेल जब रचता है जब जब पूरे बालों पे तेल हो। मैं इस लायक हूँ मम्मी, मैं इस लायक हूँ, इधर देख लायक तो नहीं हो, पर नहीं मानते हो तो गुस्सा आ जाती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरनेन्द्र 7 व्लॉग्स। एंड यार ये तीसरा अटेम्प्ट है क्योंकि बाहर शोर बहुत ज़्यादा है, तो अभी ना हम कुछ कुछ सामान इंटीरियर का अपना फाइनल करते जा रहे हैं, शाम को ये फ्री होते हैं तो ये इसमें से ना हम सेलेक्ट कर रहे हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जहाँ पे सेलन आती है ना, तो वहाँ पे वैसे है तो ये मतलब जो फ्लोर पे बिछता है, लेकिन जहाँ सेलन होती है ना तो वहाँ पे वॉलपेपर क्या बोलते हैं उसको, कामयाब नहीं होता। हाँ, कामयाब नहीं होता, तो वहाँ पे आप इसको लगा सकते हो तो ये अच्छा लग रहा है, अच्छा भी लगेगा, टिका भी रहेगा। कह रही है इतना मैंने पहले लगवा रखा है, इतना बोल रहा है रेट लगवा देना। मैंने कहा ठीक है। तो ये शॉप है यहाँ से, मतलब मैं बहुत पहले से सामान लेके जाता रहता हूँ, तो मिश्रा जी हैं, इनसे फिर रेट लगवाएंगे। फिर नजफगढ़ में वहाँ नहीं दिख रहा ना, वो जो ये ब्लू वाली बिल्डिंग है ना, ये विजय सेल्स की है, ये वाली, ये हाँ, तो यहाँ पे जाके फिर कुछ एसी वगैरह, क्योंकि सारा बहुत सारा काम है, वो सारा डन करेंगे अभी हम। तो सारा वॉलपेपर वगैरह करने के बाद फाइनल, कहाँ भग रही है अब हम जा रहे हैं, जो भी एसी वगैरह इन सारी चीज़ों का देखना है, वो सारा इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम फाइनल। पता नहीं क्या होता, जब मेरी शादी थी उससे पहले मम्मी का पैर टूटा पड़ा था, जाने टूटे टूटे पैर में सारी शॉपिंग करी, मेरा हाथ की ऐसी हालत हो रखी है, पेट में। इंसान अपनी हालात और हालत का खुद जिम्मेवार होता है। सुसारा करने के बाद अब अरुण के लिटिल लिटिल चिली पटेटो सीपी, तो अभी हम सीपी खाएंगे। एंड यार सारी चीज़ें फाइनल होगी बढ़िया से, इंटीरियर वगैरह से लेके, बस बहुत अच्छी चीज़ आपको देखने को मिलेगी, थोड़ा सा टाइम और लगेगा, सारा काम बिल्कुल फुल फ्लेश शुरू हो चुका है। मतलब ऐसे होता है, सुबह उठ रही हूँ, जा रही हूँ, इधर काम देख रही हूँ, उत्तम नगर क्लिनिक जा रही हूँ, फिर आ रही हूँ, फिर काम देख रही हूँ, फिर घर आ रही हूँ, मतलब ऐसे चल रहा है पूरा दिन। शुरू कब होता है, ख़त्म कब होता है कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऊपर से इसकी पेन, मतलब बस इसने भी झंडे उठा रखे हैं। इंसान अपनी हालत और हालात का खुद जिम्मेवार होता है। एंड ये हम लोग आ गए हैं घर पे, सारा काम वाम निपटाने के बाद, इसका खाना खाने के बाद मैं इसका कुल्ला ऐसे कराती होती हूँ। पुच्चू, हाँ वो इधर है, रिद्धि की आ रही आवाज, एक सेकंड रुक जाओ रिद्धि। हाँ चलो पढ़ो, शाबाश यार, रिद्धि का एग्जाम है, क्या करें। चलो पुच्चू। तो ये ब्रश करती है ऐसे बिल्कुल, अभी इसका पेस्ट भी आएगा, टूथब्रश भी आएगा, लास्ट रह गया, बच हो गया लास्ट। अच्छा दिखाओ ना, ये देखो, हाँ हो गया, हो गया बच, नहीं भाई तंग नहीं करना, हो गया बच। चलो घर आने के बाद ये रोल निकाला, अब हटाओ इसको, कहाँ पे है, बस अभी ये स्वेलिंग रह गया, कल तो ये पूरी थी, अभी बेटर हुई है ये। तो ये होते हैं जो लोग कहते हैं ना ये घरेलू नुस्खे क्या काम करेंगे, तो ये काम करते हैं घरेलू नुस्खे। बस ये एरिया रह गया, कल तो ये पूरा स्वेल था, अभी है इसमें हल्की हल्की रह गया, बस ये चीज की। इतना तो चलता रहता है, बस अभी फिंगर के मूवमेंट्स में वो है, क्योंकि ये सारी टियरिंग, ये जैसे ये चीज है ना, इसमें टियरिंग है सारी, रिंग, ये देखो सारी रिंग्स फंस गई हैं, रिंग्स अभी भी फंसी हुई हैं, पेन हो रहा है बहुत। हाँ बहुत पेन है हाथ में, ये नहीं मान रही, तो जब वैसे कहो ना तब तो कुछ करती ना, जब शूट कर रहे हैं ना। हाँ क्यों घुसी है, क्योंकि इसका फेवरेट फूड वहाँ है, इसको दिख गया है, इसको ये पता है, जो ये पिंक वाली पॉलीथिन दिख रही है ना आप लोगों को, इसमें ना इसका खाना होता है, ठीक है, तो उसको ना पता है कि वो खाना, तो ना उसको बार बार उसको मुंह लगाती रहती है। और ये कौन आया अभी सामने, ये कौन, डांस करके दिखाओ, अभी देखना चूड़ियां पहन के घूम रही है आज वो। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे कुकू कुकू
उससे कराएंगे। उसके दांत कैसे थे रिद्धि? ऐसे तुम्हारे आए नहीं है, उसके ज्यादा आ गए हैं। इसकी ना पता है एक दिक्कत है, ये ना इतने फार्ट मारती है, इतने फार्ट मारती है ना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, पास ना ये सड़ा के रख देती है। कल क्या हुआ कि ना ये बीच में सो रही थी, आप उस साइड सो रहे थे, तो ना तो और मतलब इसके ना बहुत मतलब सच मतलब इसके कैसे फार्ट की साउंड होती है, इसके फार्ट की साउंड होती है जैसे कोई ना नींद में हल्का हल्का बोलने की कोशिश करता है ना, ऐसा लगता है कि ऐसे बोल रहे। तो मैंने कहा उपासना जब से बोले जा रही है, और मैं देखूं, मैंने कहा यार उपासना के पास आवाज आ रही है, फिर मैंने इसके पेट पे कान लगाया तो ना आवाज आ रही थी, और एकदम से ऐसी गैस निकली है ना, ठीक है, और ये ऐसे मस्त सो रही थी। तो अभी ना रिद्धि हमारी आ गई है, तो रिद्धि आज रिद्धि सेवा के उसमें, क्योंकि उपासना थोड़ा सा तबीयत ठीक है, बस थोड़ा सा ये लो फील कर रही है। तो रिद्धि बोली कि मेरी भाभी और उनकी तबीयत थोड़ी सी भी लो फील हो। अच्छा ये क्या है बताओ? ये एक ऐसा तेल है जो हाथ पे रखते ही पिघल जाता है। अच्छा आप बताओ ये कौन सा तेल है? हिबिस्कस ऑयल, जिसकी मैं रेमेडी शूट कर रही हूँ, तो मैं भी वही यूज करती हूँ। मैंने बनाया, पता है आपको ये लगता होगा कि ये ना सिर्फ की सिर्फ रेमेडी भोग के निकल जाती है, ये हिबिस्कस वाला ये हमने शायद कहां हिमाचल बनाया, हिमाचल बनाया था, और ये पूरी डिब्बी भरी थी। हम मतलब मैं वीकली जैसे अपनी मसाज करती हूँ ना, इसी से करती हूँ। तो आज यार इनके ना हाथ में थोड़ी तकलीफ थी, मम्मी बोली कि मम्मी बोली कि आज मैंने पूरे दिन काम किया, मेरा शरीर टूट रहा है, तो फिर हमारे काम कौन आया? तो रिद्धि सेवा कर रही है। ये होगा तेल। पर आपको नहीं लगता उपासना कि बच्चे ना कुछ आज ये वाली जनरेशन बहुत जल्दी ग्रो कर रहे हैं? बहुत एडवांस, क्योंकि रिद्धि जैसे जैसे आगे बातें बताती है ना, तो जो चीजें हमने 9th 10th में सुनी होती है ना, तो तब मतलब हाँ मतलब उस टाइम सुनी थी, बट तब गांव में तो लोग इन चीजों को बोलने में बहुत ज्यादा हेजिटेट करते थे। मतलब इन चीजों को दीदी पूरा इधर नीचे से पूरा सूख रखा है, तेल जब रचता है जब पूरे बालों पे तेल हो। रचा तो बेटा तो ये कहाँ से सीख के आती है, ठीक है भगवान जाने। तो ना अभी मतलब जैसे जब मेरे को पता चला तो मैं बहुत सरप्राइज हुआ, तो फिर मैंने उपासना को बोला, मैंने कहा उपासना अब थोड़ी सी ना जो बेसिक एजुकेशन एक एज के बाद दी जाती है। अभी तो ना हम 3-4 दिन पहले डिस्कस कर रहे थे, तो अरुण ने मुझे तब भी कहा था, तो मैंने कहा कि अरुण अभी कौन से हम मूवी देख रहे थे तब बोला था, या मैंने नॉर्मली तो मैंने कहा अभी इसको 10 साल की होने दो, धीरे धीरे अभी सीख। हम डॉक्टर जी देख रहे थे तब मैंने ये बोले थे, तो फिर उपासना बोली नहीं नहीं 7th 8th 9th में होने पे, मैंने कहा नहीं उपासना मतलब, तो फिर कुछ बात, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, ये एक पेरेंटिंग का ये भी एक स्टेज है। बाकी जो पेरेंट्स हैं जो जिनके बच्चे 3rd 4th क्लास में, वो समझ सकते हैं, बाकी कमेंट्स में बता ही सकते हैं। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या बना दिया सुबह सुबह? कचौड़ी। कहाँ से सीख ले? उपासना बता नहीं, कहीं कुछ नहीं सीख ले रहा था। अच्छी बनी है, बहुत टेस्टी, आईज क्लोज करके अपने ये ना मैं तो छानते जा रही हूँ। ये ना बुरा भाई है ना, बुरा भाई की मम्मी बनाती है। हाँ। वो लेके आते थे बुरा भाई। क्या ये आयुर्वेदिक कचौड़ी है? क्योंकि क्या है इसमें? आयुर्वेदिक कचौड़ी है ये, खाने के बाद बताना। मेरे मतलब की चीजें नहीं है ना? ना हाँ हाँ बिल्कुल उल्टी कर देना। मम्मी तुम लोग वैसे कैसे बदतमीजी से बात करते हो? मम्मी मैं इस लायक हूँ, मैं इस लायक हूँ, मम्मी मैं इस लायक हूँ। इधर देखो, लायक तो नहीं हो पर नहीं मानते हो तो गुस्सा आ जाती है। मैं खाई, टेस्ट की थी ना, बहुत अच्छा लगा, मेरे से तो रुका नहीं जा रहा है। गरम बनाते जाऊँ खाते मम्मी? एक काम करो ना, इसको निकाल के इसी के साथ एक टुकड़ा खा के डालो। क्या क्या सिखा रही हो तुम? नई नई चीजें मैं मम्मी को ट्रेंड कर रही हूँ, ताकि कल को जो शेफ आए ना मम्मी उसको ट्रेंड कर दे।